हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस हफ्ते रॉ में आने वाले यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल अनाउंस करेंगे उनके अपोनेंट रेसलमेनिया 35 के लिए। और पिछले हफ्ते रोमन रिक्स और डीन एम्ब्रोस को इंजर्ड करने के बाद ड्रू मैकइंटायर इस हफ्ते रॉ में फेस करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को। तो क्या होगा इन दोनों के मैच में और क्या रोमन रिक्स और डीन एम्ब्रोस अपना बदला लेंगे ड्रू मैकइंटायर से या नहीं, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जैसा आपको पता होगा, रोंडा रोजी हील टर्न हो चुकी हैं और उन्होंने पिछले हफ्ते रॉ में ना सिर्फ डेना ब्रुक पे अटैक किया बल्कि उन्होंने रेफरी को भी धक्का दे दिया था। इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल अनाउंस किया है कि रोंडा रोजी पे फाइन चार्ज किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और इस हफ्ते डेना ब्रुक को रॉ वुमेन्स टाइटल मैच मिल गया है रोंडा रोजी के अगेंस्ट। अब रेसलमेनिया कितने करीब आकर रोंडा रोजी अपना टाइटल तो नहीं हारेंगी, पर चलिए देखते हैं क्या होता है इस मैच में। पिछले हफ्ते रॉ में लियो रश की मदद से बॉबी लैशली ने फिन बैलर को हरा दिया और वो बन गए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और इस हफ्ते के रॉ के लिए WWE ने एडवर्टाइज किया है कि बॉबी लैशली और लियो रश फेस करेंगे फिन बैलर और उनके मिस्ट्री पार्टनर को। मुझे ऐसा लगता है कि फिन बैलर के पार्टनर कोई NXT की सुपरस्टार हो सकते हैं। आपको क्या लगता है फिन बैलर के टैग टीम पार्टनर कौन है, कमेंट्स में बताइए। कर्ट एंगल ने रॉ में बताया था कि रेसलमेनिया 35 में वो अपना लास्ट फाइट करेंगे और तब से बहुत सारे रूमर सुनने में आ रहे हैं उनके लास्ट अपोनेंट को लेकर। और इस हफ्ते रॉ में कर्ट एंगल खुद से बताएंगे कि कौन है उनके अपोनेंट। वैसे दो सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिनके सबसे ज्यादा चांसेस है कर्ट एंगल के अपोनेंट होने के। नंबर वन जॉन सीना, क्योंकि सीना ने जब WWE में अपना डेब्यू दिया था तो उनका पहला मैच कर्ट एंगल के साथ हुआ था, इसलिए कर्ट एंगल का आखिरी मैच उनके साथ हो सकता है। और नंबर टू बैरन कॉर्बिन, क्योंकि कॉर्बिन की वजह से ही कर्ट एंगल की जनरल मैनेजर की जॉब गई थी। तो चलिए देखते हैं कि कर्ट एंगल के अपोनेंट कौन रहते हैं रेसलमेनिया 35 में। रोमन रेक्स का पिछले हफ्ते रॉ में 5 महीने के बाद 1-on-1 मैच होने वाला था, लेकिन ड्रू मैकइंटायर ने उन पर अटैक कर दिया और उसी रात डीन एम्ब्रोस को भी इंजर्ड कर दिया मैकइंटायर ने। और इस हफ्ते रॉ में वो फेस करेंगे सेथ रॉलिंग्स को। रोमन रेक्स या डीन एम्ब्रोस आ सकते हैं इस मैच में ड्रू मैकइंटायर से बदला लेने। वैसे आपको बता दूं कि अभी WWE का रेसलमेनिया 35 के लिए प्लान है रोमन रेक्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। ब्रॉक लेसनर को आखिरी बार हमने रॉयल रंबल के अगले दिन वाले रॉ में देखा था। उन्हें उस दिन सेथ रॉलिंग्स से आकर चैलेंज किया था रेसलमेनिया 35 के लिए और उसके बाद सेथ रॉलिंग्स ने अटैक करना चाहा था लेसनर पे, लेकिन उन्हें 6F5 झेलने पड़ गए थे। तब से सेथ रॉलिंग्स इंतजार कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर का। तो चलिए देखते हैं कि सेथ रॉलिंग्स क्या करते हैं जब ब्रॉक लेसनर उनके सामने आते हैं इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं अगली लाइव स्टोरी किस सुपरस्टार की बनाऊं, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन या फिर द ग्रेट खली। इन तीनों में से आप सब जिसके नाम का सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे उसकी लाइव स्टोरी मैं इस हफ्ते बना दूंगा।